हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज भरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 8.3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 8.3। क्या है उसका स्टेटमेंट? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल। हमारे पास एक स्क्वायर है तो ये मैंने बना दिया एक स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कहा है, इस स्क्वायर की साइड, साइड कितनी है? एल, मतलब ये साइड भी एल है ये, और ये स्क्वायर है तो सभी साइड्स सेम रहेगी। अब इसके वर्टेक्स पर 4 मासेज रखे, एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वो मास कितना है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन क्या कहा है, सेम मासेज है, सेम मासेस है। क्या लिखा है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल एंड ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कि इस स्क्वायर के वर्टेक्स पर 4 मासेस रखे हैं, उनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं, हमने कंसिडर कर लिया 4 मास कितने, एम 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 एंड एम। तो हमें क्या बताना है कि इन चारों की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, और ये भी बताना है कि इसका अगर कोई सेंटर है तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये हमने कंसिडर कर लिया इसका क्या है, सेंटर। तो देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कितने पॉसिबल पेयर्स है वो कंसिडर कर लेते हैं हम। एक तो ये पॉसिबल पेयर है, एक ये पॉसिबल पेयर है, एक ये वाला पॉसिबल पेयर है, एक ये वाला पॉसिबल पेयर है, एक ये वाला पॉसिबल पेयर है, और एक ये वाला पॉसिबल पेयर है। इतने सारे पॉसिबल पेयर से तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और इन दोनों की जितने भी सिस्टम हो सकते हैं वो सभी सिस्टम्स की क्या रहेगी, अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं हो सकता, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये तीनों के साथ हो गया, ये भी तीनों के साथ हो गया, ये भी तीनों के साथ, और ये भी तीनों के साथ हो गया। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W R से रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते, सिर्फ W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, बुक में भी हाँ WR से रिप्रेजेंट कर रहा है, हम भी WR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो WR इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -gm1m2/r, यह है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -gm1m2/r। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो g तो सभी के लिए सेम रहेगा, अगर मैं इस पेयर की बात करूँ तो फर्स्ट मास भी m है, सेकंड मास भी m, तो हम क्या लिख देंगे, m × m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l, तो अपन में लिख दिया l। तो m × m कितना हो जाएगा, m², तो यहाँ हम लिख देते हैं m². तो ये फर्स्ट पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gm²/l। इसी टाइप से ये सेकंड पेयर की भी वही हो जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी l है, दोनों मास भी कितने हैं m, तो वो भी कितनी हो जाएगी, -gm²/l। थर्ड वाले पेयर, इन दोनों के बीच की भी कितनी हो जाएगी, -gm²/l। फोर्थ वाला पेयर, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, -gm²/l, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो वो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें दिख रहा है ये है एम, यहाँ पर एक रखा है, एक एम यहाँ पर रखा है, एक एम यहाँ, इन दोनों के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो ये है बेस, ये है बेस। तो हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है √2l। अगर नहीं पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा जो भी हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है एल, तो एल का स्क्वायर प्लस बेस, वो भी कितना है एल स्क्वायर।
तो हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर। ये एच का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, एल। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट टू इंटू एल। तो हाइपोटेनस कितना आया, रूट टू इंटू एल। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आगे कितनी आई, रूट टू इंटू एल। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, रूट टू इंटू साइड, साइड की जो भी लेंथ हो। तो अब इस पेयर के लिए फिर से वही मास जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, रूट टू इंटू एल। अब इस वाले पेयर की बात करें तो वही माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू इंटू एल। तो देखो ये और ये चारों सेम है, तो ये वन, ये भी वन, ये वन वन, तो वन प्लस वन, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है वन, यहाँ पे भी वन वन, तो ये सभी सेम। तो ये एक वन 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 वन, इस पूरे को हम वन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर एक केट यहाँ पर है, एक केट यहाँ पर है, तो केट प्लस केट, वन केट प्लस वन केट, टू केट हो जाएगी। इसी टाइप से ये एक कोई चीज़ है, ये एक है, ये एक और है, तो ऐसी चीज़ कितनी है, चार। तो टोटल कितनी हो जाएगी, फोर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू माइनस फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल। दिख रहा है ना नीचे का, ये कितना हो जाएगा, ऊपर लिख दूँ क्या, ठीक है ऊपर लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस जी, ठीक है ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है अब। तो ये वन टू थ्री फोर, तो डब्ल्यू आर किसके इक्वल आ गया, माइनस फोर, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू माइनस फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल। ये वन और ये वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो माइनस टू जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू एल, ठीक है। जब इन सब हम सभी को ऐड करना था कि फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी प्लस थर्ड की पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी, सपोज करो, सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी भी है माइनस पी टू। इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो माइनस पी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए बीच में माइनस का साइन है, हमने उनको माइनस नहीं किया, हमने तो प्लस किया, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है। तो अब ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी को हम और थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल, इस टू को हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं क्या, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू मतलब रूट टू का स्क्वायर, रूट टू इंटू रूट टू का मतलब रूट टू स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, टू। तो टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, इस रूट टू से ये रूट टू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल माइनस रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन एल। तो जी एम स्क्वायर अपॉन एल यहाँ पर भी है, जी एम स्क्वायर अपॉन एल यहाँ पर भी है, माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस साइन यहाँ भी है। तो सभी में से इस वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल को निकाला कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, फोर। तो यहाँ लिख लिया मैंने फोर, यहाँ माइनस का साइन बाहर आ गया, तो माइनस साइन बाहर आ गया, तो जब माइनस साइन बाहर आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और रूट टू, तो ये लिख दिया मैंने रूट टू। अब रूट टू की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो इसलिए इस रूट टू की स्पेस पर हम क्या लिख देते हैं, 1.414। तो डब्ल्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव। तो 5.414 इसको पहले लिख देते हैं, तो माइनस 5.414, 414 ही होता है ना, ठीक है, हाँ। तो 414 जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस फोर मासेस। अब इसके साथ हमें और क्या कहा है, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है अच्छी बात है। इसके साथ हमें और क्या कहा है, इसके साथ हमें कहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल निकालो,
सेंटर पर क्या निकालो, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला है, अब बोला है पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालो मतलब अगर हम सेंटर पर एक यूनिट मास रख दें, सेंटर पर क्या रख दें हम, एक यूनिट मास रख दें, तो उस यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर पर क्या रख दें हम एक यूनिट मास रख दें, तो यूनिट मास पर कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, यहाँ पर एक मास रखा है, यहाँ एक मास रखा है, यहाँ एक मास रखा है, यहाँ पर एक मास रखा है, ये डिस्टेंस कितनी एल 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 एल, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, तो ये हमारा क्या हो गया सेंटर। तो इस डायगोनल की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, रूट टू एल है, तो ये जो सेंटर है तो ये हाफ वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट टू एल बाई टू, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, रूट टू एल बाई टू, ये भी कितनी हो जाएगी, रूट टू एल बाई टू, ये भी उतनी ही रहेगी, और कौन सी, ये वाली हो गई ना चारों, हाँ ठीक है। तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सभी लेंथ कितनी रहेगी, पूरा डायगोनल कितना है, रूट टू एल, तो ये सेंटर हाफ पर रहेगा तो उसका हाफ कर दिया रूट टू एल अपॉन टू। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर तो सभी जगह क्या है, एम 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 और एम मास रखा है, सेंटर पर हमें पोटेंशियल निकालना है, मतलब सेंटर पर यूनिट मास रखा है, वन मास रखा है, तब उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा फिर से वही माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो फर्स्ट की वैल्यू तो है एम, तो एम वन की स्पेस पर एम रख दिया, सेकंड कितना यूनिट मास रखा है मतलब एम टू की वैल्यू कितनी है वन, तो उसको लिखा वन, तो वन को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मतलब इस सेंटर पर इस फर्स्ट मास की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। सॉरी देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस v इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। पोटेंशियल मतलब यूनिट मास रखा हो तो ये सेकंड मास तो हो गया वन, उसको हटा दिया, वन को लिखो ना लिखो एक ही बात है, और फर्स्ट मास क्या है m, तो ये हो गया m, तो मतलब क्या हो गया वैल्यू, माइनस जी एम अपॉन आर, जहाँ r क्या होती है डिस्टेंस, तो इस यूनिट मास की फर्स्ट वाले मास से डिस्टेंस कितनी है, रूट टू एल अपॉन टू, तो आर की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूट टू एल अपॉन टू, माइनस सेकंड की वजह से भी माइनस जी एम अपॉन रूट टू एल अपॉन टू, थर्ड की वजह से जी एम अपॉन रूट टू एल अपॉन टू, और फोर्थ की वजह से भी क्या रहेगा, माइनस जी एम अपॉन रूट टू एल अपॉन टू। तो ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, फोर्थ का, सभी को हमने जोड़ ऐड कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट वाला भी लगाएगा, सेकंड वाला भी लगाएगा, थर्ड वाला भी, और फोर्थ वाले सभी की वजह से पोटेंशियल रहेगा, तो उन सभी का हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल, सभी को ऐड कर दिया तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल आ गया। तो देखो ये वन 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 वन, तो वन प्लस वन प्लस वन कितने टाइम, फोर टाइम, तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर जी एम अपॉन रूट टू एल अपॉन टू। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप, जो थर्ड पोजीशन पर रहता है वो कहाँ जाता है, फर्स्ट पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फोर जी एम इंटू टू अपॉन रूट टू एल। ये टू कहाँ आ गया, फर्स्ट पर ऊपर आ गया, तो ये टू को ऊपर ले आए। अब इस टू को ही हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, तो उसको लिख देते हैं हम माइनस फोर जी एम रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू एल, ये लिख सकते हैं। इस टू को हमने रूट टू इंटू रूट टू लिखा, इस रूट टू से ये रूट टू क्या हो गया कैंसल, तो हमारी पोटेंशियल कितना आ गया, माइनस फोर रूट टू को हम लिख लेते हैं, ये जो एक रूट टू बचा उसको आगे माइनस फोर रूट टू जी एम अपॉन एल, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।